देखो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है डिवीजन क्राइसोफाइटा का स्टडी जो है कर लिया है। इस पार्ट में हम आपको डिवीजन डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में स्टडी कराएंगे। देखिए, ये डाइनोफ्लैजिलेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवीजन है और इसके बारे में जो है आपको बहुत ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा। देखिए, ये जो डाइनोफ्लैजिलेट है ये भी यूनिसेलुलर है बट वेल डिफाइंड ग्रुप है। ये यूनिसेलुलर के वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर कहे जाते हैं। एक बात और भी इनके बारे में, ये मोस्टली जो है मैराइन होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये मैराइन होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रेश वाटर में भी कुछ अमाउंट में पाए जाते हैं। मतलब देखिए, सब ऑर्गेनिज्म फाउंड इन फ्रेश वाटर आल्सो बट मोस्टली मैराइन, मोस्टली ये मैराइन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है मोस्टली, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो बात समझिए, ये जो डाइनोफ्लैजिलेट हैं ये वाटर के सरफेस पर पाए जाते हैं। ये कहां पाए जाते हैं? सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, ये सरफेस ऑफ वाटर पर पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए, ये इनके अंदर क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है, ये येलो कलर, येलो कलर जरा ध्यान दीजिए, येलो कलर, ब्राउन कलर, ब्राउन, येलो कलर, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ये जो ये डिफरेंट जो कलर हमने लिखा है, ये इस रूप में भी, इस रूप में जो है क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो है येलो, ब्राउन, ग्रीन, रेड और ब्लू कलर के क्यों दिखाई देते हैं? तो एक्चुअल में इनके अंदर जो है ऐसा पिगमेंट पाया जाता है। देखिए, ध्यान दीजिए, इनके अंदर पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट्स। तो जो पिगमेंट्स है इसी के वजह से ये डिफरेंट कलर के दिखाई देते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो पहली बात तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए, ध्यान दीजिए, इसके बाद क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी, जायंथोफिल्स, जायंथोफिल्स, डाइनो, ध्यान दीजिए, डाइनो जायंथोफिल, डाइनो जायंथोफिल। और एक और पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है जो है डाइडाइनो जायंथोफिल, डाइडाइनो, डाइडाइनो, डाइडाइनो जायंथोफिल, जायंथोफिल। देखिए, ये जो है इसके अंदर क्या है, ये सब पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं। ये जो है, देखिए फिर एक बार मैं रिपीट करूं, इसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जायंथोफिल, डाइजायंथोफिल, डाइडाई जो है जायंथोफिल, ये जो है डिफरेंट टाइप के क्या पाए जा रहे हैं, पिगमेंट, डिफरेंट टाइप के क्या पाए जा रहे हैं, पिगमेंट। इन्हीं के कारण जो है ये जो है डिफरेंट कलर के दिखाई देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक चीज और बता दें, मैक्सिमम जो है, मोस्टली जो ये ऑर्गेनिज्म है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये मोस्टली क्या होते हैं? मोस्टली जो है फोटोसिंथेटिक, ध्यान दीजिए, फोटोसिंथेटिक, मोस्टली जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं। अच्छा, एक बात और बता दें, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर जो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म है वो जो है फ्लैजिलेटेड होते हैं। वो कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड। अच्छा, एक बात समझिए, जब फ्लैजिलेटेड होंगे तो ये मोटाइल भी होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे तो
तो मोटाइल भी होंगे, बात समझिए, मोटाइल भी होंगे, लेकिन सम जो है, सम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, कुछ जो है नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, ध्यान दीजिएगा, नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते हैं। तो जब नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, नॉन मोटाइल, कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। तो देखिए इनके अंदर जो है, लेकिन मोस्टली जो है फ्लैजिलेटेड होते हैं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, मोस्टली जो है फ्लैजिलेटेड होते हैं, ये ध्यान रखिए, ये जो मोस्टली वर्ड है ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट होता है, इस पर ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये मोस्टली जो है फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होते हैं, बट सम जो है केसेज में ये नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल होते हैं, ध्यान दीजिए। इसके बाद हम आपको एक बात बताएंगे कि इसमें जो है टू फ्लैजिला पाया जाता है, देखिए बहुत ये इंपॉर्टेंट बात है, ये डाइनोफ्लैजिलेट में जो है टू फ्लैजिला पाया जाता है, किसना टू नंबर ऑफ फ्लैजिला जो है टू फ्लैजिला पाया जाता है। सपोज करिए मैं कोई एक ऑर्गेनिज्म का जो है, सपोज करिए ये फिगर है, तो यहाँ पर एक ग्रूव होता है, यहाँ पर जो है ये ग्रूव्स है, देखिए ये जो ग्रूव्स है तो इस ग्रूव से देखिए एक फ्लैजिला और ये फ्लैजिला इधर, ये जो है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला हो गया और ये हो गया आपका ट्रांसवर्स फ्लैजिला। तो ये जान लीजिए जितने ऑर्गेनिज्म इसमें होते हैं ये भाई देखो डाइनो फ्लैजिलेट है, देखिए ये डाइनो फ्लैजिलेट है, तो इसमें क्या होगा टू फ्लैजिला पाया जाएगा, तो एक फ्लैजिला वन जो फ्लैजिला होगा वो ट्रांसवर्स पोजीशन में होगा और दूसरा फ्लैजिला जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा इसके बाद जो आपको सेल वॉल के बारे में इनके बताया जाए, सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है जरा ध्यान दीजिए, एक्चुअल में सेलुलोज का बना होता है, इनका सेल वॉल जो किसका बना होता है, सेलुलोज का। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इनके जो आउटर सरफेस है, ध्यान दीजिए इनका जो आउटर सरफेस है उस पर जो है सेलुलोज प्लेट पाए जाते हैं, आउटर सरफेस पर, ध्यान दीजिए आउटर सरफेस पर ये जो सेलुलोज प्लेट्स पाए जाते हैं, सेलुलोज प्लेट। अच्छा अब देखिए ये जो सेलुलोज प्लेट पाए जाते हैं और इसका नेचर जो होता है सेलुलोज प्लेट का, ये स्टिफ नेचर का होता है, स्टिफ टफ नेचर का होता है, स्टिफ नेचर का होता है, ये जो सेलुलोज प्लेट है ये किस नेचर का होता है, स्टिफ नेचर का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ये उसका प्रोटेक्शन करता है, ये उसका प्रोटेक्शन करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है सेलुलोज प्लेट, सेलुलोज प्लेट जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बात और बता दें, इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है जरा ध्यान दीजिएगा, ये लार्ज और प्रोमिनेंट होता है, लार्ज एंड प्रोमिनेंट, लार्ज एंड प्रोमिनेंट। देखिए इसका न्यूक्लियस जो है लार्ज और प्रोमिनेंट होता है, क्या होता है लार्ज और प्रोमिनेंट, इसको क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए मीजोकैरियन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, देखिए एक्चुअल में जो इसका जो प्रोमिनेंट और जो लार्ज न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट होता है, तो ऐसे न्यूक्लियस को मीजोकैरियन कहते हैं, मीजोकैरियन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये आइटम है। देखिए अब इसके बाद हम इनके बारे में ये बताएंगे, जैसे इनका जो डीएनए होता है, इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए डीएनए में जो है डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो है क्या है, अब्सेंट है,
ये बात याद कर लीजिए, हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होता है। देखिए जो किंगडम मोनेरा हम लोग पढ़ रहे थे उसमें भी हिस्टोन प्रोटीन जो एब्सेंट था, तो इसके अंदर डाइनोफ्लैजिलेट में भी हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, एब्सेंट होता है। देखिए इसीलिए जो डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं इसको जो है मीजोकैरियोट कहते हैं, इसीलिए इनको जो है मीजोकैरियोट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसको मीजोकैरियोट कहते हैं, मीजोकैरियोट, ध्यान दीजिए, इसको मीजोकैरियोट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें जो फूड मटेरियल तो स्टार्च के रूप में पाया जाता है, इसमें जो है स्टार्च पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है स्टार्च पाया जाता है, ये इसमें स्टार्च पाया जाता है, इंपॉर्टेंट आइटम है। रिप्रोडक्शन के बारे में ध्यान दीजिए, रिप्रोडक्शन, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ये जो है, देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जनरली जो है या मोस्टली समझिए बाई बाई बाइनरी फीजन, किससे होता है, बाइनरी फीजन। तो देखिए ध्यान दीजिए इसमें जो है मोस्टली जो है क्या होता है, बाइनरी फीजन से जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा इसके अलावा इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाय फॉर्मेशन ऑफ जू स्पोर, बाय फॉर्मेशन ऑफ जरा ध्यान दीजिएगा, बाय फॉर्मेशन ऑफ जू स्पोर, जू स्पोर्स, तो देखिए जू स्पोर्स एंड सिस्ट्स, तो देखिए इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो है बाइनरी फीजन और फॉर्मेशन ऑफ जू स्पोर एंड सिस्ट। एक चीज और बता दें आपको, ये इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भाई, इसके बारे में समझिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ऑलमोस्ट अननोन है, ऑलमोस्ट अननोन है, ध्यान दीजिए ऑलमोस्ट अननोन होता है, इसका मतलब क्या हुआ, पता नहीं, मतलब क्लियर पता ही नहीं है कि जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता भी है या नहीं होता है, अभी जो है इसका डिस्कवरी चल रही है, और मतलब ये ऑलमोस्ट अननोन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट अननोन होता है। मान लीजिए देखिए भाई कुछ साइंटिस्ट मानते भी हैं कि इसमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता भी है तो समझिए ये आइसोगैमी और अनआइसोगैमी टाइप का होगा। देखिए ध्यान दीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि होता भी है तो आइसोगैमी एंड अनआइसोगैमी प्रोसेस से होता है, ध्यान दीजिए आइसोगैमी एंड अनआइसोगैमी। देखिए एक चीज और बता दें, इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, इसमें जो है जाइगोटिक मियासिस होता है, इसमें जो है इनके लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियासिस होता है। देखिए इसके लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियासिस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था अगर जाइगोट जो है मियासिस करे तो ऐसे लाइफ साइकिल को हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, हेप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल कहते हैं, बता चुका हूं इसके पहले वाले वीडियो में, हेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, तो हेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कहते हैं। तो देखिए ये था आपका डाइनोफ्लैजिलेट, देखिए इसका एग्जाम्पल जो है जानना बहुत ही जरूरी है, तो एग्जाम्पल जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ध्यान दीजिए इसका सेरेटियम, ध्यान दीजिए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल सेरेटियम है,
इसके बाद जो सेकंड एग्जाम्पल है वो पेरिडीनियम पेरिडीनियम ध्यान दीजिए। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल जिम्नोडीनियम। इसके अलावा फोर्थ एग्जाम्पल ग्लैनोडीनियम। इसके अलावा जो फिफ्थ एग्जाम्पल है नाक्टिलुका। इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है वो है पायरोसिस्टिस। इसके बाद गोनिया लैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोनिया लैक्स। ये इसके एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल तो आपको याद करना पड़ेगा। देखिए एक बार और इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, सिरेटियम, पेरिडीनियम, जिम्नोडीनियम, ग्लैनोडीनियम, नाक्टिलुका, पायरोसिस्टिस और गोनिया लैक्स। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो गोनिया लैक्स है ये आपको विशेष रूप में जानना है। तो ये एग्जाम्पल भाई आपको रटना पड़ेगा, रिमेम्बर करना पड़ेगा। और तो देखिए आपको हो सकता है कि सारा कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा हो। अब हम लोग इसमें जो है डाइनोफ्लैजिलेट में ध्यान दीजिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्चुअल में जो नाक्टिलुका बताया था मैं आपको अभी बताया था, नाक्टिलुका पायरोसिस्टिस बताया था अभी, एंड जो है गोनिया लैक्स। देखिए ये जो ये तीनों ऑर्गेनिज्म है गोनिया लैक्स, तो ये जो तीनों ऑर्गेनिज्म है इनके बारे में जरा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपके जो है नीट में पूछा जा सकता है। तो ये जो है क्या करते हैं, ये इनके साइटोप्लाज्म में, इनके जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो है फोटोजेनिक ग्रैनुल्स पाया जाता है। इनके जो साइटोप्लाज्म है जरा ध्यान दीजिए, इनके साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, फोटोजेनिक ग्रैनुल्स पाया जाता है। ये दे ध्यान दीजिए, इसके वजह से ये लोग बायोलुमिनी सेंस प्रोड्यूस करते हैं, बायोल्यूमिनी ध्यान दीजिए, ल्यूमिनी सेंस जो है क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए इससे क्या होगा, तो इसके वजह से ये क्या होते हैं, नाइट लाइट में जो है ये क्या होते हैं, नाइट लाइट में भी जो है ये ग्लो करते हैं, नाइट लाइट में भी ये क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। इसीलिए इनको नाइट लाइट से भी जाना जाता है, इसीलिए इनको नाइट लाइट से भी ध्यान दीजिए, इसको नाइट लाइट से भी क्या किया जाता है, जो है ये फेमस है, नाइट लाइट से भी ये फेमस है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया गया, एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखिए ये जो नाक्टिलुका है और पायरोसिस्टिस है, गोनिया लैक्स है, इसमें के साइटोप्लाज्म में फोटोजेनिक ग्रैनुल्स पाए जाते हैं, इसलिए ये बायोल्यूमिनेसेंस जो है प्रोड्यूस करते हैं, और इसे जो है नाइट लाइट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, नाइट लाइट कहते हैं। जो सेकंड स्पेशल पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, जो सेकंड इंपॉर्टेंट है वो गोनिया लैक्स के बारे में है। सेकंड जो है ध्यान दीजिए, गोनिया लैक्स,
तो गोनिया लैग्स के बारे में है, ध्यान दीजिए ये क्या है। एक्चुअल में ये क्या करता है, रैपिडली जो है मल्टीप्लीकेशन करता है, रैपिडली जो है ध्यान दीजिए, ये रैपिडली मल्टीप्लीकेशन करता है। अच्छा, ये रैपिडली मल्टीप्लीकेशन करके क्या होता है, ये वाटर सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है। वाटर सरफेस पर क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाता है। अच्छा, स्प्रेड हो जाने से पूरा वाटर सरफेस रेड दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको रेड टाइड भी कहते हैं। ये रेड टाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेड टाइड है। देखिए, एक्चुअल में रेड दिखाई देने लगता है ना वाटर सरफेस, जिसे रेड टाइड कहते हैं, जिसे रेड टाइड कहते, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गया हो कि आपका गोनिया लैग्स जो है रेड कलर का है। गोनिया लैग्स किस कलर का है, रेड कलर का। तो बात इसको क्लियर समझिए। थर्ड जो थर्ड स्पेशल पॉइंट इसमें है, इंपॉर्टेंट है ये सब, जिम्नोडीनियम अभी पढ़ाया था मैंने, जिम्नोडीनियम एंड गोनिया लैग्स। ये गोनिया लैग्स और जिम्नोडीनियम ये क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, ये जो है टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं। अच्छा, देखिए, अब जब टॉक्सिन सिक्रीट करेंगे तो ये टॉक्सिन जो है क्या होगा, एक्चुअल में ये जो टॉक्सिन है ये क्या होगा, फूड चेन के थ्रू जो है ह्यूमन में भी जाता है। तो जब ह्यूमन में जाता है, देखिए, फूड चेन के थ्रू जब ह्यूमन में जाएगा तो ये जो है नौजिया, ध्यान दीजिए, नौजिया नुम्बनेस एंड इसके अलावा पैरालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरालिसिस। देखिए, ये जो है क्या करते हैं, ये डिजीज काज कर देते हैं, ये जो है ह्यूमन में पहुंच करके और डिजीज काज कर देते हैं। अब कोई भी, मान लीजिए कोई जो है स्टूडेंट पूछ सकता है कि भाई ह्यूमन में कैसे पहुंच जाएंगे फूड चेन से। अरे भैया, आप जो सी फूड खाते ही हैं उसके थ्रू पहुंच जाता है, फिश खाते हैं उसके थ्रू पहुंच जाएंगे। तो ये पहुंच गए, देखिए बात समझिए, तो ये इतने डेंजरस होते हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इसको सुनिए, ये टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, का जो टॉक्सिन है उसको जो है सेक्सी टॉक्सिन कहते हैं, इसको जो है इस टॉक्सिन को सेक्सी टॉक्सिन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि मतलब कैसे पहुंच जाएंगे, तो मैंने बता भी दिया कि ये जो टॉक्सिन है ये बाय फूड चेन पहुंच गया। अच्छा, अब देखिए ये कितना डेंजरस होता है, इसका जो इफेक्ट है, टॉक्सिन का जो है इफेक्ट इतना होता है कि ऐसा है कि वो ह्यूमन जो है, बात समझिए, वो ह्यूमन 1 डे के अंदर डेथ कर सकता है। ह्यूमन जो है, बात समझिए, 1 डे के अंदर डेथ कर सकता है। बात समझ, हम कहना क्या चाहते हैं भाई, एक्चुअल में ये सपोज करिए गोनिया लैग्स है तो कितना पहुंचा, ये इस पर भी डिपेंड करेगा ना, बट बहुत डेंजरस होता है। और इसके अलावा ये जो है, जो एनिमल जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म सी वाटर में होते हैं उनको भी जो है हार्म पहुंचाते। जो फोर्थ आइटम आपको बताना है, जरा ध्यान दीजिएगा, उस जो है नाक्टुलिका, ये जो नाक्टुलिका है, ये देखिए, ये जो नाक्टुलिका है एक्चुअल में इसे जो है सी घोस्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सी घोस्ट, सी
घोष। अब आप सोच रहे होंगे समुद्र का भूत सी घोष्ट ये कहलाता है, क्यों कहलाता है? क्योंकि ये लाइट ग्लो करता है। ध्यान दीजिए, वाटर सरफेस पर ये लाइट ग्लो करता है। इसका जो है, बात समझिए, इसकी जो कॉलोनीज है वाटर सरफेस पर लाइट ग्लो करती हैं, तो लगता है सी घोष्ट है। क्या है? सी घोष्ट। तो इसीलिए इसको सी घोष्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जरा ध्यान दीजिए, फिफ्थ जो स्पेशल पॉइंट है कि जो डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं इनको फायर एल्गी भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, फायर एल्गी, फायर एल्गी भी कहते हैं। इन्हें फायर एल्गी भी क्या है, कहते हैं, क्योंकि ये जो ग्लोइंग लाइट की तरह अपीयर होते हैं। अभी अभी बताया भी था, तो ये ग्लोइंग लाइट की तरह अपीयर होते हैं, इसीलिए इनको फायर एल्गी भी कहते हैं। जो सिक्स्थ जो है स्पेशल पॉइंट है उसके बारे में आप लोग जानिए। एक्चुअल में ये जो है डाइनोफ्लैजिलेट है, जरा हम लोग डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो डाइनोफ्लैजिलेट है उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, भाई समझिए इसको, ये सिंगल लेयर्ड होता है, ये सिंगल लेयर्ड होता है। अब पता नहीं आपको ताजुब लगा या नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, सिंगल लेयर्ड होता है। ये यूकैरियोट है भाई, ये प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोट, यूकैरियोट्स का जो है न्यूक्लियस डबल लेयर्ड होता है, ये सिंगल लेयर्ड। बात समझिए, यूकैरियोट है ना भाई, यूकैरियोट। तो जो यूकैरियोट होते हैं उनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर के होता है। किसका होता है? डबल लेयर्ड होता है, और ये सिंगल लेयर। तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्चुअल में इसके पहले जो कुछ आपको इस डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में बताया गया है उसको बहुत ध्यान से समझिए, पढ़िए। ये इंपॉर्टेंट जो है डिवीजन था। धन्यवाद।